लेके चलते हैं गुजरात और हम आपको दिखाते हैं दिव्य सोमनाथ धाम को मिली भव्य सौगात, जिसका आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण किया। दरअसल सोमनाथ में एक शानदार सर्किट हाउस बनाया गया और इस सर्किट हाउस को बनाने में 30 करोड़ से ज्यादा की लागत आई और इस सर्किट हाउस तमाम आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। एक 150 फीट ऊंचा शिखर, शिखर पर 10 टन के वजन का कलश और 10 किलोमीटर की दूरी में फैला दायरा, समुद्र की लहरों के किनारे सोमनाथ मंदिर की ये भव्यता पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचती है। हर साल बड़े पैमाने पर देश विदेश के सैलानी इस मंदिर का रुख करते हैं, जिनके स्वागत के लिए एक भव्य और विशाल गेस्ट हाउस बनकर तैयार है, जिसका वर्चुअल शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये सर्किट हाउस मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है, जिसमें मेहमानों के आराम के लिए हर सुख सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। ये सर्किट हाउस 15,000 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। इसे बनाने में करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिनमें कुल 48 कमरे हैं। इसमें 2 प्रेसिडेंशियल स्वीट्स के साथ 8 वीवीआईपी कमरे हैं। इसमें ऑडिटोरियम के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की भी सुविधा है। सोमनाथ मंदिर के आसपास विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ रुपए दिए थे। उसी में से करीब 30 करोड़ रुपए खर्च करके ये गेस्ट हाउस तैयार किया गया है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, आज आजादी के अमृत महोत्सव में हम देश के अतीत से जो सीखना चाहते हैं, सोमनाथ जैसे आस्था और संस्कृति के स्थल उसके अहम केंद्र हैं। साथियों, अलग अलग राज्यों से, देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने हर साल करीब करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। सोमनाथ मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसमें विदेशी सैलानियों की तादाद भी काफी ज्यादा होती है। हालांकि सोमनाथ में और भी कई गेस्ट हाउस हैं, लेकिन ये सर्किट हाउस इलाके की भव्यता में 4 चांद लगाएगा। सोमनाथ से कैलाश जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।